गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। और मैं, मेरा फाइनल डिसीजन आ गया मायके जाने का। यस, मैं मायके जाऊंगी। आसानी से नहीं माना गया है, उन्होंने फिर से कॉल किया था मेरे पापा ने शाम को। आपके साथ वो कॉल डिटेल शेयर करूँगी कि वो कॉल पे बात कर रहे थे, तो तब उन्होंने माना। वो भी सिर्फ बोले 4 दिन के लिए जाएगी, 4 दिन के लिए। यार उसमें भी मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैं कितने दिन रहूँगी कितने दिन नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, पहले यहाँ से जाऊँ तो सही, फिर देखूँगी कितने कब जाना है, कब आना है, कब क्या करना है। तो लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, कुछ नहीं किया है मैंने, ना बच्चे के कपड़ा लिया है, ना मैंने खुद का लिया है। अब देखो शाम में कंफर्म ही हुआ, फिर खाना पीना हो गया, फिर मेरी बेटी पता नहीं क्या बार बार, 2 बार कल गिर गई, तो इसी में मैं लग गई, तो मैं कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँगी। और मेरे भाई लोग, पापा लोग तो कह रहे थे कि 10:30 बजे तक ही आ जा। मैंने बोला भाई मेरी कोई पैकिंग नहीं हुई है, मेरी पैकिंग होगी तभी मैं आऊँगी, तो शाम के टाइम जाऊँगी तब फटाफट कर लूँगी, 4 दिन के हिसाब से कर लूँगी। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। यार किसी को भी होगा, भले ही लोग 2 दिन के बाद भी अपने मायके जाएगा ना, तो उसके चेहरे पे ऐसे ही खुशी रहेगी। तो मैं तो ऐसे भी 4 महीने के बाद जा रही हूँ, अब पिछले बार तो 1 साल बाद गई थी, तो मेरा तो ऐसे डिस्टेंस लगा रहता। लेकिन यह है कि मैं फिर जाती हूँ तो रहती भी हूँ 2 महीने 4 महीने ऐसे करके रहती भी हूँ। तो ठीक है, मैं अब देखिएगा आप लोग मेरे कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आपके मेरे चैनल। गाइस आज मैं जा रही हूँ और अभी 12 बज रहे हैं, दोपहर हो गए और मेरी अभी तक कुछ पैकिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रात में अचानक उन्होंने बोल दिया या फूकर रात में मेरे पास टाइम ही नहीं था जमा करते। तभी मैं थोड़ा बहुत जो पैक तो नहीं की हूँ, तो जो सामान रखी हूँ उनके ले जाऊँगी बाबू का। अभी तो बाबू का ही देख रही हूँ, देख ये उसके इतने सारे फ्रॉक रॉक ले रही हूँ जो सब पहने गई, ये इसके सारे बनियान हैं, इसके सारे पेंट, क्योंकि बच्चे का कोई ठीक नहीं है ना, कब कितने ज़रूरत पड़ जाए कपड़े का। तो मैंने वही सोचा कि मैं तो पैक कर लूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊँगी, मेरी बेटी कौन से कपड़े पहन के जाएगी। मेरी बेटी के लिए कपड़े आए हैं, उसके दादाजी लेके आए हैं कि यही पहन के जाएगी। मैंने बोला ओके, आप बताइए कौन से कपड़े पहन के जाएगी। मैं चूड़ी भी चेंज करूँगी, मैं नेल पेंट भी लगाऊँगी, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इतना टाइम हो गया, मेरी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं अपना हेयर वॉश कर ली हूँ, थोड़ा सा सुंदर दिखनी चाहिए ना, मैं के जा रही हूँ तो कैसे भी नहीं जा सकती। ओके गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए। ट्रेन ट्रेन क्या पहनना है मुझे और मेरी बेटी को, यही कपड़ा पापा लेके आए थे, ये इसका पैंट है और ये इसका टी शर्ट है, यही पहन के जाएगी, काफ़ी प्यारा है। इसी से थोड़ा मैचिंग मेरी ये साड़ी है। देखो गर्मी का टाइम है ना, तो ये हल्का भी है और स्टाइलिश भी है, ये मैं कभी पहन के गई भी नहीं। ये इसका ब्लाउज है, ये छोटंकी बदमाशी कर रही है, मेरे को काम नहीं कर, देखो मैं पूरा उधेस के रखी हूँ, पूरा अलमारी खोल के रखी हूँ, कभी मैं आप लोगों को ना इसका वो दिखाऊंगी।
माँ কি হয়েছে রে ছোড়া রে ছোড়া কি হয়েছে রাইস মুখে তো চল গেলে হ্যাঁ বল চুপ কি সুবে উঠতে হি ইনকা ব্লগিং শুরু হো গয়া হ্যায় গাইস মানে ইয়ে আপডেট নাই কিয়া থা কি মেন গাঁও আ চুকি হুঁ দেখি তো কত্তে সুন্দর আবে ছে তখন তো কেরো ছে ना अच्छा कांच कखन शुरू हेता दिमाग एक जगह पर छौ कि नहीं छौ तन तो देखाबु छी कुछ देख ले हां को पता देखा हम आ तो की समझे में नहीं एलो हम आ सेफ सेम टू सेम तेने लागा चल हम देखा